रही हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की बात, धर्म परिवर्तन करने को भारत भी, मेरी पार्टी भी, मैं भी, मेरा संगठन भी गुनाह मानते हैं। इसका समर्थन नहीं करेंगे प्रलोभन के बस, प्रेशर के बस, या पैसे दे के या डरा के। हिंदुओं को भी ये बात सिर्फ क्रिश्चियन पर लागू नहीं होती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जितने भी धर्म हैं, कोई भी किसी के ऊपर इन चारों चीजों को प्रयोग करके धर्म परिवर्तन ना कराए, ये हम गुनाह मानते हैं, अच्छी बात नहीं है। हिंदू भी अगर किसी के ऊपर प्रेशर डाल के उसको कहता है कि मेरे धर्म में आ जाए, मुसलमान को कहते मेरे धर्म ग्रहण करके, क्रिश्चियन का मेरा धर्म ग्रहण, उसको भी हम लोग समर्थन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन किसी देश के किसी व्यक्ति को, किसी कल्चर को, संस्कृतियों को नुकसान पहुंचाए बाहर से आकर के, उस गुनाह को भी माफ नहीं किया जाना चाहिए, उसका भी हम समर्थन करते हैं। नेपाल के अंदर जो हो रहा है भारत पूरी तरह से जानकारी रखता, मैं भी जानता हूँ, वो पाप है, गुनाह है। आप लोग सक्षम है, मजबूत है, उसको रोको। अगर ना रोका तो नेपाल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसकी संस्कृति खत्म हो जाएगी, इसका कल्चर नष्ट हो जाएगा। आज यहाँ जितने भी लोग हैं भोली जनता है, या कह लो कि इंटीरियर के अंदर गरीबी है, पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, इसके अंदर तुम उन लोगों को धर्म परिवर्तन कराओगे? यहाँ भूकंप आता है, चावल बांटते हैं, दाल बांटते हैं, वो किताब बांटते हैं, वो होता है ना लकड़ी के ऊपर, वो करके और उसके गले में डाल करके उसका नाम, अब किसी का नाम मान लिया शेर बहादुर है या किसी का नाम अमर बहादुर थापा है, 200 रुपए लेगा डेबिट हो जाएगा। फिलहाल संविधान में जो मैंने जो देखा कि सनातन धर्म, धर्म निरपेक्ष, ये शब्द लिखा है, तो सनातन धर्म का जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसके आगे धर्म निरपेक्ष लिखा। सनातन धर्म को सर्वोपरि मानते हुए सभी धर्मों का समान इस देश में है, ये मतलब है इस लाइन का शब्द, यही है ना, अलग है कुछ। सनातन धर्म को मानते हुए सभी धर्मों का इज्जत इस देश में होगी, ये शायद इस लाइन का मतलब है। और इस लाइन का मतलब को बुरी बात नहीं है, उन व्यक्ति का दिल बड़ा है जिन्हें ये बात कही कि मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगा लेकिन सभी का सम्मान करूंगा, क्या बुराई है? मान लिया इनके बच्चे, बीबी, माँ बाप, परिवार है, मैं अपने परिवार की सुरक्षा करूंगा लेकिन मैं आपकी भी इज्जत करूंगा, आपकी भी सुरक्षा करूंगा, तो इसमें क्या पाप है? अब ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आपका किसी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, या है किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ, जहां तक मैं समझता हूँ एक इंडिविजुअल जवान लोगों का ग्रुप है, इतना ही है ना ये, किसी राजनीति तो नहीं, चुनाव तो लड़ते हैं लोग अभी तक, तो इतना ही अभी, हाँ आज की बात कर रहा हूँ, एक घंटे बाद क्या हो मुझे पता नहीं, मैं जितना है उतना ही बोलूंगा। अभी ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आपका एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर होंगे आपके दिमाग में कि मैंने ये संगठन खड़ा किया है, मुझे करना क्या है, अपने ब्रेन के अंदर एक आइडियोलॉजी तैयार की होगी कि मुझे चाहिए क्या, करना क्या है। वो आपका दो तीन होते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं मंत्री बनूं, मैं राष्ट्रपति बनूं, ऊंची बिल्डिंगें बनाऊं, लंबी गाड़ियां खरीदूं, विदेश यात्रा करूं और एक नाम करके फिर बूढ़ा होके मरे, एक तो ये सब्जेक्ट होता है, ज़्यादातर इतना ही है कि राजनीति में आए, सत्ता की और सब कुछ क्या, बूढ़ा होकर सबको मरना ही है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, सभी को जाना है। कुछ लोग राजनीति में तक पहुँच जाते हैं, कुछ लोग बीच में अटक जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, अपना धर्म, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी मातृभूमि और अपने देश की सुरक्षा, एक चीज़ वो भी होते हैं जिनका ये विषय है, थोड़ी कठिनाई तो आती है लेकिन वो कभी लक्ष्य तक प्राप्ति करने में चूकता नहीं। और ख़ास तौर से जो आपकी टीम है ना, मैं देख रहा हूँ सारे के सारे, ये टीम उस देश का सौभाग्य होता है जहाँ इस तरह से इतनी भारी संख्या में इतने कम समय में लोग आते हैं, लेकिन उसका सही तरह से उपयोग हो, वो दिशा अगर मिल जाए देश का कितना भला हो सकता है, कोई सोच मिल सकता। कुछ चीज़ें डायरेक्ट वे में हम लोग नहीं कह सकते, पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, और यहाँ नेपाल के अंदर शादी कोई पॉलिटिकल ग्रुप या कोई भी ऐसा जो अपने संपर्क बनाओ, इसलिए बहुत ज़्यादा खुल के बोलूँगा तो वो कहीं ना कहीं उसका फिर कई तरह के मतलब निकलते, नेता तो खिचड़ी बना देते हैं ना जी, एक चीज़ के 10 मतलब निकाल लेंगे, एक चीज़ के 10 मतलब निकलेंगे। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहता हूँ, हिंदू राष्ट्र या हिंदू शब्द, इसमें थोड़ा सा एक मोटिवेट करने की जरूरत है, क्योंकि तो हिंदू जो है ये, जैसा अभी इन्होंने कहा सिंधु नदी और हिंदू कुश पर्वत, सुमेरु पर्वत, ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, अफगानिस्तान में सिंधु नदी है, पाकिस्तान में है, वहीं से सिंध है, सिंध बिरादरी वहीं पे है, और हिंदू शब्द भी वहीं से आया है, हिंदू कुश पर्वत, सुमेरु पर्वत आज भी हैं, वहीं से कुछ लोग आकर के यहाँ रहे, उन्होंने अपना नाम हिंदू दिया,
इसका जो नाम था पूर्व प्राचीन काल में ये था सनातन धर्म। इसलिए सनातन धर्म में सारी चीजें आ जाती हैं। इसलिए हिंदू शब्द का बहुत ज्यादा पीछे पड़ने से कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ, सनातन धर्म था, है और रहेगा। अब इसमें हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, अन्य, अब सिख है, सिख तो हिंदू है, बौद्ध है वो भी हिंदू है, लेकिन सिखों ने गुरुद्वारे बनाए, हमने मंदिर बनाए, अलग अलग और धर्मों के स्थल बने हुए हैं, लेकिन है तो सारे सनातन धर्म के, वो भी सनातन को मानते हैं, सिख भी और ये बौद्ध भी मानते हैं। ये कोई पाप नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन सनातन धर्म का क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसमें कई तनाव हम लोगों के मिट जाते हैं। साईबा संघले अहिलेसम्म स्थापना कालदेखि साईबा संघले अखण्ड हिन्दू राष्ट्रको लागि चाहिँ लगभग चाहिँ 40-45 वटा सडक संघर्ष गरिसकेका छौँ हामीले। सडक संघर्ष गरिसकेपछि साईबा शक्तिले चाहिँ जनमानसमा, नेपाली जनतामा चाहिँ एउटा छुट्टै स्थान बनाएको म डक्टर साह सामु यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु, जाहेर गर्न चाहन्छु। र उहाँले चाहिँ एउटा हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ अझै उत्साहित हुने र नेपालमा चाहिँ जुन अहिले चाहिँ हरेक युवाहरू चाहिँ लोभ र लालचमा लागिरहेका छन्, किनकि चाहिँ सिद्धान्त विचार म हिन्दू हुँ, म यो माटोको लागि, म यो देशको लागि केही गर्छु भन्ने प्रेरणा अझै चाहिँ युवाहरूमा जागेको छैन, त्यो चाहिँ डक्टर साहबबाट चाहिँ अलिकति सम्बोधन भइदियो भने त्यो कुरा पनि जाग्छ भन्ने मैले आशा पनि गरेको छु। र साथसाथमा अब हामीले चाहिँ चाह्यौँ भने के चाहिँ हुँदैन, आज चाहिँ जस्तै भारतमै हाम्रो चाहिँ के अरे दामोदर मोदीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको आशीर्वाद छ हामीलाई, अहिले योगी आदित्यनाथ चाहिँ मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँको स्वयं आशीर्वाद छ हामीलाई, र साथमा अहिले हाम्रो डक्टर साहब चाहिँ साईबा सत्यको केन्द्रीय कार्यालयमा आउनुभएको छ, यो जस्तो ठुलो आशीर्वाद हामीलाई अर्को कुनै हुनै सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ म युवा साथीहरूलाई अब चाहिँ जागरुक भएर मनदेखि कुनै लोभ लालच नराखिकन चाहिँ हामी एउटा सङ्कल्प गरेर चाहिँ आजको दिनबाट चाहिँ नेपाललाई चाहिँ यति समयभित्र हिन्दू राष्ट्र घोषणा गराउँछौँ भन्ने चाहिँ अठोटका साथ अगाडि बढौँ। यही नै म तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र उहाँलाई धेरै हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र थप कुरा हाम्रो संरक्षण विभाग प्रमुख गोविन्द ढुङ्गाना कहाँ हुन्छ, आउँछु, उहाँ हाम्रो संरक्षण विभाग प्रमुख पनि। सबसे पहिले म डाक्टर साहबको हार्दिक स्वागत गर्न चाहता हुँ। साईबा शक्ति जो लम्बा समय से संघर्ष कर रहे कि नेपाल में नेपालले हिन्दुत्वको लिए राष्ट्र संस्था नेपालको लिए अपरिहार्य है, और हिन्दू राष्ट्र जो युरोपियन युनियन द्वारा जो एउटा मिशन अभी भी चालू है, जो उसका टार्गेट है 2025 तक नेपाल फिर से राष्ट्र बनाने के लिए, इसके लिए हम लोग हर कोई हिंदू से कोई भी कंट्री का आदमी जो आस्था रखता है उसका पास हम लोग दोस्त करके और उसका पास कुछ भी करके, और सबसे ज़्यादा हम लोग भारत से सामने है, क्योंकि भारत का लोग और हमारा लोग लगायत का धार्मिक संगठन किन फुटे किन छुटे र त्यसलाई एक कसरी बनाउने, किन एक बनेन र हामी एक किन हुन सकेनौँ, र काम गर्न पनि हामी सबै युवाहरूले, र हामीले अबका दिनहरूमा हिन्दू राष्ट्रको लागि के गर्नुपर्छ त, हामीले बाटोमा हिन्दू राष्ट्र भनेर दौड्यौँ, युवाहरू भर्खर यहाँ जुन भाइहरूलाई मैले देखेँ मलाई असाध्यै हृदयदेखि नै खुसी लाग्यो, सायद अबका दिनहरूमा अलिकति स्पिडली हामी जान सक्यौँ भने हामी केही गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ के रह्यो भने हामी कोठाभित्र काम गऱ्यौँ, जस्तो राष्ट्र संस्थाको कुरा गऱ्यौँ, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गऱ्यौँ।